अच्छा रिस्पांस बढ़िया निकला। रिस्पांस में तो इसी के लिए तो बताया कि इसको रिपीट किया जाए। अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया रहा, सेल भी हम लोग का अच्छा हुआ। बढ़िया रिस्पांस रहा है, एक अच्छा ऑप्शन मिलता है कि एक ही छत के नीचे 10 बिल्डर रहते हैं। रिस्पांस यहाँ का ठीक था, लोग आए थे, इंक्वायरी हुई है, लोग आएंगे भी ऑफिस में उसके रिगार्डिंग। हमारे पास जो रिस्पांस मिली वो कमर्शियल की भी आई है और रेजिडेंशियल की आया है। अच्छा है, बहुत लोग आए हैं, एक बार में तो बहुत लोग को अच्छा लगा है, लेकिन उन्होंने बोला है कि ठीक है हम आपके साइट पे विजिट करेंगे, और साइट विजिट भी हुई है, अच्छी रिस्पांस अच्छा आ रहा है। रिस्पांस तो सर अच्छा था, जितने बार भी आए हैं रिस्पांस हमें अच्छा ही मिला है। आगे भी प्रभात खबर ऐसे करते रहे और हम इनके साथ सहयोग करते रहे। रिस्पांस कुल मिला करके ठीक ठाक रहा है, पॉजिटिव मुझे दिखता है। लोग आए हैं, इंक्वायरी किए हैं और पूछताछ किए हैं, क्लाइंट अच्छे आए हैं और रिस्पॉन्सिव है, आगे भी आपके साथ जुड़ा रहे। रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा यहाँ पे, कलक्रेट में भी काफ़ी अच्छा कस्टमर आए थे हमारे स्टॉल पे, लगभग संडे के दिन में काफ़ी अच्छा विजिट हुआ है और काफ़ी अच्छा इंक्वायरी रहा। और ज़्यादातर इंक्वायरी हमारा रहा रोज वैली प्रोजेक्ट जो हम लोग का दीदारगंज टोल टैक्स के पास है। आपका जो लगा है फेयर सफल रहा है और इस बार भी अच्छा रहा है, एक ही छत के नीचे सभी लोग आते हैं कस्टमर और हर तरह का इंक्वायरी होता है, हम लोग के लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिशियल रहता है। रिस्पॉन्स बढ़िया था, सब अच्छा था, गवर्नमेंट बहुत अच्छा लगा हमको देख करके। यहाँ पे हर लोग का अच्छे अच्छे बिल्डर आए हुए हैं, सब लोग आते थे, फ्लैट लेने आए थे, तो फ्लैट मुझे सुंदर मिला, अच्छा मिला। 2 BHK खोज रहे थे, मेरे मन लाइक फ्लैट वो मिला भी है, एक छत के नीचे सारा कुछ मिल गया जो हमने सोचा था यहाँ पे। देखे अच्छा लगा, अच्छा फील हो रहा है, यही सोच करके हम लोग भी आए कि अगर इन्वेस्टमेंट करना हो या कुछ लेना हो तो उसके लिए एक ही छत के नीचे सारे लोग मिल जाएंगे, तो जो बेटर प्रोजेक्ट होगा उस पर जाया जा सकता है। तो हमने काफ़ी सारा ब्रोशर लिया है, अब बात करेंगे इस पर। तो आपको लगता है कि और भी लोगों को आना चाहिए? बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि एक हाउस के अंदर में सारे लोगों को आदमी चूज़ कर सकता है कि विच वन इज़ बेटर और कौन सा ऑप्शन आदमी ऑप्ट करे, तो इसके लिए अलग अलग जगह पर ना जाकर एक जगह पर ही आकर के ये करना अच्छा है। और मैं तो कहूँगा कि ऐसा ये हमेशा होना चाहिए ताकि जो भी इन्वेस्टर्स हैं जिनको भी रिक्वायरमेंट है उनको दूसरे जगह इस सारी चीज़ों के लिए नहीं भटकना पड़े। नमस्कार, मैं साक्षी शिवा और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभात खबर की ओर से ड्रीम होम प्रॉपर्टी फेयर का खास आयोजन किया गया है और इस खास कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने किया। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में कई बिल्डर्स को एक मंच पर इकट्ठा किया गया है और इसका मकसद ये है कि लोगों को कई सारे ऑप्शंस मिल सके। बिल्डर्स की अपेक्षा वही है कि सरकार भी इस तरह से कॉपरेट करे, तो निश्चित तौर पे हमारे यहाँ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे भी हम बात करेंगे और हर एक ज़िला के एक्सकर्ट बाहर में जहाँ बाईपास है, जहाँ कंजेशन, चूँकि हम देख रहे हैं कि शहर के लोग का वातावरण सब कोई चाह रहे हैं, तो गांव से सीधे शहर आएंगे तो कंजेशन होगा, लेकिन मधुबनी से सीधे पटना में कि मुंबई जाए कि पूना जाए, अगर मधुबनी के स्कर्ट्स में ही अगर 5 किलोमीटर के रेडियस में उस ढंग की प्लानिंग हो जाए, दरभंगा के स्कर्ट्स में प्लानिंग हो जाए, 38 जिला में उस ढंग से प्लानिंग हो जाए, तो बिल्डर्स का भी एक अच्छा मनोबल बढ़ेगा, व्यापार का भी बढ़ेगा, और जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जो बाहर जो इन्वेस्ट करते हैं अपने गाँव में इन्वेस्ट करेंगे, उनके मन में होगा कि हम अपने फैमिली के लिए जो पुराना बिल्डिंग है उसको भी बिना डिस्टर्ब किए हुए एक नया 2-बेडरूम फ्लैट हम बगल में रख दिए, कभी हम शादी विवाह कोई भी ऐसे हम जाएंगे तो हमारा फ्लैट रहेगा, जब चाहे तो उसका उपयोग करेंगे। इस ढंग से ये भविष्य के लिए, आगे के 50 साल के लिए इस तरह के इंडस्ट्रीज़ के लिए ये सपना दिखाना बहुत आवश्यक है साक्षी, अन्यथा लोग यहाँ के लोग केवल बाहर ही खरीदेंगे, बिहार में इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, यहाँ का पैसा यहीं रहेगा। उसके आधार पर ढेर सारा, अगर आप एक इलेक्ट्रिकल आइटम की बात करें, एक घर में बिल्डिंग मटेरियल में क्या लगता है, तो 100 तरह का छोटा छोटा इंडस्ट्री लग सकता है।
हम उसका परचेज पॉलिसी लाएंगे उद्योग विभाग, ताकि उसमें परचेज पॉलिसी में रहेगा कि जो सरकारी बिल्डिंग जो बनेगी उसमें बिहार सरकार में जो उद्यमी होंगे उनसे परचेज किया जाएगा जो गुणवत्तापूर्ण होगा। इस ढंग से सैकड़ों हजारों छोटी बड़ी फैक्ट्रियाँ खुल सकती है जो हम देख रहे हैं यहाँ करके। बता और एक चीज़ है, जैसे दिल्ली में फ्लैट के दाम बिहार की तुलना में कम होते हैं, है ना, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या प्रयास कर रही है? देखा जाए, इन लोगों का कुछ कहना है ना, जैसे बालू है, मिट्टी है, ब्रिक्स है, कुछ मटेरियल्स है, लोहा है, सीमेंट है, उसका भी रेट जो है थोड़ा बैलेंस रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करने से जो कमिटमेंट्स ऑफ द पीपल्स आप करते हैं कि हम आपको 4000 रुपये स्क्वायर फीट देंगे या 5000 देंगे, कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो गुणवत्ता में थोड़ी दिक्कतें आ रही है। इस बात के लिए इनका जो थ्रेट परसेप्शन है, सरकार का मतलब है कि आप सभी चीज़ सरकार से शेयर करें ताकि ऐसा कवर्ड अम्ब्रेला आपको मिले कि बारिश है तो बारिश का कि नहीं प्रोटेक्ट करे, अगर धूप है तो उसे प्रोटेक्ट करे, स्कीम बचेगा। डिजिटल एरा में आप देखते होंगे कि क्लाइंट्स जो हैं और जो जो सेलर हैं दोनों के बीच में बहुत सारे कम्युनिकेशन के मीडियम हैं, लेकिन किसी भी चीज़ के लिए जब हम पर्सनलाइज तरीके से सर्विस देते हैं, वन टू वन कम्युनिकेशन करते हैं, तो एक कस्टमर को बेटर फील होता है। तो इस तरह के आयोजनों से एक जो परचेजर है और जो सेलर है दोनों के बीच में सीधा संवाद होता है, उसके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, क्वेरी होते हैं, और जो व्यक्ति फेस टू फेस एक दूसरे से जब इंटरेक्ट करता है तो उसका एक अलग, उससे ज़्यादा एक फ्रूटफुल चीज़ें निकलती हैं। दूसरा है कि शहर में जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हम अलग अलग तरीके से सर्च करने की कोशिश करते हैं, एक जगह में अगर आप 15-20 इस तरह के जो रियल इस्टेट के जो सेलर हैं उनके साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो आप अपने बजट के हिसाब से चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। तो जैसे आज आपने देखा होगा 2 दिन का ये कार्यक्रम था जो ड्रीम होम का प्रभात खबर का था, बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम था और इसमें लगभग बहुत सारे लोग आए और सीरियस जो बायर थे, सीरियस बायर इस कार्यक्रम में आए। तो शहर के विभिन्न हिस्सों में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं लोगों ने इसके बारे में जानकारी लिया और बिल्डर्स ने, रियल एस्टेट के जो लोग हैं उन्होंने भी अपने जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर उनके साथ संवाद किया। तो एक कम्युनिकेशन मीडिया और बहुत सारे लोगों को यहाँ से बुकिंग भी मिला है, एक पॉजिटिव क्वेरी भी मिला है, तो कहीं ना कहीं एक सीधा संवाद का अवसर है और ये बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा। उम्मीद पर खड़े उतरने के लिए तैयार रहते हैं और हम लोग के प्रोजेक्ट पटना सिटी चौक जो बोलते हैं, टोल प्लाजा और 0 माइल के बीच में राइट साइड में मर्चा मर्ची रोड बोलते हैं, उसी पर BG+10 10 फ्लोर की बिल्डिंग बन रही है, 375 फ्लैट है, 5 बीघा में बन रहा है, वहाँ पे डबल हाउस है, रेट भी बिल्कुल कम है। 0 माइल है, 0 माइल से 2 किलोमीटर आगे एक पॉइंट आता है जिसको हम महादेव स्थान बोलते हैं, चौक है जो एक पटना सिटी की ओर चला जाता है और एक चला जाता है मेरे बाईपास थाना होते हुए मर्चा मर्ची रोड में। बाईपास थाना से 800 मीटर ब्रांच रोड में जाना है, यानी बाईपास थाना से अंदर जाना है, वहाँ हमारा टाउनशिप प्रोजेक्ट चल रहा है सर। कोला रोड में मैत्री ग्रुप प्रोजेक्ट लेके आई है, 200 रुपये का इस प्रॉपर्टी के माध्यम से स्पेशल छूट भी दे रही है और यहाँ के बायर जो है सब इंक्वायरी किया है, सबका फुटफॉल हो रहा है, कुछ लोग साइट विजिट भी किए हैं, हो सकता है इसका रिजल्ट भी मिले। बेसिकली हमारी कंपनी रियल इस्टेट रेरा से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट लाती है सर। गोला रोड में हमारे पास 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वासुदेव मैत्री पैलेस, लीला मैत्री पैलेस, वैष्णवी एंड लक्ष्मी इनक्लेव। हमारे पास काफ़ी टाइप के धमाका ऑफर्स हैं और जो नीचे वर्ग के लोग हैं उनके लिए काफ़ी सहूलियत के साथ हमारे पास फ्लैट हैं कम बजट में और काफ़ी एक्सपेक्स मतलब लग्जीरियस फ्लैट। 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK अवेलेबल हैं
कनेक्टिविटी आपका बेली रोड से 1.25 किलोमीटर डिस्टेंस पे और 1 किलोमीटर डिस्टेंस पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन। रिजनेबल प्राइस है हम लोगों का, अभी वहाँ 5,000-5,500 रुपये स्क्वायर फीट चल रहा है, जो हम लोग फेस्टिवल अभी ऑफर डिस्काउंट दे रहे हैं सर। हमारी 3 प्रोजेक्ट्स रनिंग है जो कि अपना खगौल रोड पे है, एक हेरिटेज है जो कमर्शियल प्रोजेक्ट है, फुल्ली कमर्शियल, बिहार का सबसे बड़ा मॉल है, फिर एक हमारा ऑर्बिट है मेन फोकस उस पर भी है हमारा, और एक क्रिस्टल है जो रेसिडेंशियल कम कमर्शियल है। रेसिडेंशियल हमारा यहाँ जो है लगभग हमारे यहाँ 7,000 का रेट है, 1,40,00,000 से स्टार्टिंग है अप्रॉक्स, और कमर्शियल 1,70-1,80 से स्टार्टिंग होता है। 3 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है, एक साईं महादेव इनक्लेव जो एम्स के पहले है वाल्मीकि के पास, दूसरा बाईपास थाना के पास है मर्चा मर्ची में, और तीसरा टॉल प्लाजा पे है दीदारगंज में। तो ये 3 प्रोजेक्ट चल रहा है। एम्स के पास जो प्रोजेक्ट है वो हमारा लग्जरी प्रोजेक्ट है और सारा डिलक्स फिनिशिंग होगा। हमारा यहाँ 5 प्रोजेक्ट चल रहा है, जो आसोपुर मठियापुर एम्स के पास 2 प्रोजेक्ट हैं और एक और है बेला में। 1 BHK फ्लैट से लेके 7 BHK बंगलों तक देते हैं, इसमें हम लोग ज़मीन के साथ भी घर देते हैं। SV हाइट्स करके प्रोजेक्ट आ रही है हमारी रूपसपुर बेली रोड के पास, वॉकिंग डिस्टेंस है सर 2 मिनट, बेली रोड मेन रोड से 2 मिनट ही वॉकिंग डिस्टेंस। प्राइस रेंज है सर 1 CR+ ही है सारा प्राइस रेंज इसमें। और मोटानी इंफ्रा कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाती है नोएडा में, ये साइबरथम का है जो कि फूड जानी के नाम से आया हुआ है, ये है सेक्टर 140 में, जहाँ की USP है सबसे बड़ी चीज़ कि मेट्रो स्टेशन रनिंग में है, दूसरी चीज़ कि हमारे प्रोजेक्ट जो है कमर्शियल प्रॉपर्टी उसके सामने में रेसिडेंशियल का हब है। हमारा प्रोजेक्ट पटना में 2-3 लोकेशंस पे चल रही है, एक हमारा शिवाला के पास में ही है नेवरा थाना के बैक साइड में, एक हमारा बाईपास पे है, ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है और हाई राइज बिल्डिंग है, स्विमिंग पूल जिमनेजियम क्लब हाउस जॉगिंग ट्रैक 5,000 पर स्क्वायर फिट चल रहा है, इसमें कुछ एश्योर्ड गिफ्ट भी है, हमारा ऑफर यही चल रहा है। काफ़ी लोकेशन में हम लोग प्रोजेक्ट हैंडओवर भी क्लियर कर चुके हैं, सगुना के पास में वैष्णवी इनक्लेव और हम लोग का जो है भूपतिपुर में भी प्रोजेक्ट जो है घनश्याम इनक्लेव हैंडओवर कर चुके हैं। आपका स्क्वायर फीट जो है 200 रुपये का हम लोग प्रति छूट दे रहे हैं और एक गोल्ड कॉइन भी हम लोग इस धनतेरस और दिवाली के ऑफर में हम लोग यहाँ पर जो है हर एक बुकिंग पर हम लोग दे रहे हैं। 35 लाख से स्टार्टिंग है और जो है 60 लाख तक का हम लोग का जो है रेंज है। अभी तक का हमारा सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट भवानी हाइट्स का है जो कि आरकेपुरा में लोकेटेड है, जिसमें हम लोग कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल, इसके अलावा 35 एमिनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों या बुज़ुर्ग, सभी के लिए फैसिलिटीज़ रहेंगी। 3 BHK फ्लैट्स दिए जा रहे हैं, 2 BHK भी हैं, 1 BHK भी हैं। हमारा इसमें भी जो रेट चल रहा है 4,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट का है, उसमें 200 रुपीज़ स्क्वायर फिट पूरी तरह से ऑफर में है, डिस्काउंट है। आरकेपुरम, लेखा नगर और आदमपुर, 3 लोकेशन में अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है सर। प्राइस है सर हमारा स्टार्ट होता है 4,500 रुपये पर स्क्वायर फिट से और 5,500 पर स्क्वायर फिट तक है, जिसमें एक सोसाइटी बना रहे हैं 2 ब्लॉक का आरकेपुरम में G+7 का, और ये G+7 का है 2 ब्लॉक का सोसाइटी है, इसमें है पार्क, कैंपस, जॉगिंग ट्रैक, हेल्थ क्लब, कम्युनिटी हॉल के साथ में है। हमारा प्रोजेक्ट का नाम सोलेट्रियन सिटी है, जो हमारा यमुना एक्सप्रेस वे बिल्कुल F1 ट्रैक से कनेक्टेड अपोजिट ऑफ गलगोटिया यूनिवर्सिटीज़ के सामने बिल्कुल डेवलप प्रोजेक्ट है, बना बनाया प्रोजेक्ट है, जिसमें आपका G+29 का हाई राइज अपार्टमेंट्स है, विलाज है, बड़े साइजेज में फ्लैट है, जो 4,400+ में आपके 4 BHK के अपार्टमेंट्स आते हैं। हमारा एक कॉमर्शियल सोलेट्रियन सिटी सेंटर करके है, 5,000 पर स्क्वायर फिट के से हमारा रेसिडेंशियल अपार्टमेंट से। फेस्टिवल के कारण 0 प्रोसेसिंग चार्जेस है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, 8.35 से रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्टिंग है कस्टमर का, गवर्नमेंट स्टाफ का, और प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह नील है। हम लोग होम सर्विस दे रहे हैं और प्री क्लोज चार्ज, मतलब समय से पहले जब लोन चुका देता है कस्टमर तो उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।